सब्सक्राइब कीजिए नव्ज अकेडमी चैनल को और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें नए और सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सेल्फ ही राजेशन। हाँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए लाया था मोशन, ऐसे में इसका सेकेंड पार्ट लाने वाला हूँ। तो जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देख लिया है वो सेकेंड वीडियो देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखा हो वो आई बटन पे जाके हमारे फर्स्ट वीडियो का लिंक पे जाके जरूर से ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मोशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन। देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वाइब्रेटरी मोशन। देखिए, पहला जो रहेगा ट्रांसलेटरी मोशन, पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ये क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ये होता है मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग और लीनियर एक्सिस विदाउट रोटेशन। यानी कि क्या है कि वैसे बॉडी का मोशन जो लीनियर एक्सिस पे ही ट्रैवल करे बिना किसी रोटेशन का। यानी कि वो सिंपल जो है ना, मैं आपकी बातें बताऊं तो सिंपल वो 1D में ही ट्रैवल करे, 1D में ट्रैवल करे। तो इसके टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांजिटरी मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला क्या होता है लीनियर मोशन। दूसरा क्या होता है? सर्कुलर मोशन। देखिए, लीनियर मोशन में आप क्या देखेंगे, लीनियर मोशन में जैसे मैं ये बताता हूँ, जैसे ये मेरा क्या है, होम है, ठीक है, और यहाँ पे शॉप है। तो हमें जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हमें जो यहाँ से लेके होम से लेके शॉप के पास जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डेट इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन, ठीक है। या तो ये बॉडीज है, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस पे बॉडी है, इस बॉडी को ट्रैवल इस पॉइंट पे करना है। तो जहाँ पे ये बॉडी का एटम्स है, जैसे बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बॉडी यहाँ पे उसके इक्वल अमाउंट ऑफ जो यहाँ पे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे इक्वल अमाउंट पे वहाँ पे चले जाएंगे, ना कि कुछ रह जाएंगे और कुछ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इक्वल अमाउंट पे जब इसके मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। ऐसे ही क्या होता है सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, वैसी मोशन जैसे कि हर पॉइंट्स के एटम क्या आता है, विथ रिस्पेक्ट में क्या करता है, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जो है, ये अपनी एक्सिस पे, अपना जो एक्सिस लीनियर स्ट्रक्चर के जो एक्सिस है, बिना रोटेशन के ये क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। डेट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। या तो जिगजैग पाथ,
या तो आप क्या लिख सकते हैं, जिग जैग पाथ, जिग जैग पाथ। जिग जैग पाथ भी क्या है एक तरीके से, जिग जैग पाथ भी क्या है एक तरह सर्कुलर मोशन ही है। ये भी तो लीनियर पे ही ट्रैवल करता है, ये भी क्या करता है लीनियर ही है, ऐसे करके फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर, यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर, यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। या तो रिपीटेशन मोशन भी कहते हैं हम लोग इनको, क्या कहते हैं, रिपीटेशन मोशन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रोटेटरी मोशन। ये क्या है, एक रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे सेकेंड में क्या है, रोटेटरी मोशन। क्या है, रोटेटरी, रोटेटरी मोशन। अब ये देखिए क्या होता है रोटेटरी मोशन, अ बॉडी मूविंग अलोंग, मूविंग अलोंग अ एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, रोटेटरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। मतलब वैसी बॉडी जो अपने एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करे, वैसी बॉडी जो अपने एक्सिस के अराउंड ही क्या करे, ये रोटेट करे। जैसे कि आपको एक चीज बातें बता दूं, आप व्हील्स देखते होंगे, व्हील्स यानी कि पहिया, पहिया क्या करते हैं, पहिया में ये वो होता है, इसको क्या बोलते हैं, धूरा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, धूरा, या कहने का मतलब वो क्लिपर टाइप्स के होता है, उसके अराउंड ही ये धूरा रहता है, उसके अराउंड ही क्या करता रहता है, वो रोटेट करता रहता है, ठीक है। या आप कभी देखे नहीं, स्पिन देखे होंगे आपने कभी, इस टाइप से देखा होगा, सपोज डैट मान लेते पहला ये क्या है, इसको हम क्या बोल देते हैं, व्हील्स, ठीक है। तो व्हील्स का ये क्या होता है, ये वाली जो पॉइंट्स होता है, तो ये आपका रिब टाइप्स का हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके अराउंड ही क्या करता रहता है, व्हील्स रोटेट करता है, यानी कि इसके एक्सिस के अलोंग ही क्या करे, वो रोटेट करे, ठीक है। पहला क्या है, व्हील्स हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर पे अपन क्या देखते हैं, स्पिन। जैसे आप देखेंगे ऐसे, ये क्या है, एक तरह से थंब है, थंब के अलोंग क्या करते हैं, फिंगर पे, फिंगर पे क्या अटैच होता रहता है, फिंगर पे हम लोग क्या कहते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल फिंगर पे कई बार क्या कहते हैं, फुटबॉल को रख के उसको क्या कहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। तो ये रोटेशन जो होता है, डेट इज कॉल्ड क्या होता है, एक्सिस के अलोंग ही रोटेट होता है, डेट इज कॉल्ड, इसको हम भी क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन ही कहते हैं। थर्ड में क्या होता है, जैसे आपको कोई चीज़ें बात बताऊं, ये ठीक है, अगर ये यहाँ पे क्या है, व्हील्स, और यहाँ पे भी क्या है, व्हील्स है, ठीक है। अगर ये व्हील्स है तो ये व्हील्स भी क्या कहता है, एक्सिस के हिसाब से ही रोटेशन करता रहता है। जो ये है, ये दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन इसके अराउंड ही ये रोटेट करके क्या करता है, रिवॉल्वेशन करके, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके एक्सिस के अलोंग ही रोटेट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जैसे एक आपको जनरल जनरल मीनिंग बता दूँ, जैसे ये देखिए, ये क्या है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के अराउंड, अर्थ सरफेस के, अर्थ सरफेस के अराउंड क्या होता है, अर्थ सरफेस के अराउंड क्या होता है, यहाँ पे सन रिवॉल्व करता रहता है, यहाँ पे क्या होता है, सन, और सन क्या करता है, अर्थ सरफेस के अराउंड ही क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। जब आप एक चीज देखते हैं तो आपको पता चलता है कि
दिन और रात क्यों होता है? इसीलिए दिन और रात होता है क्योंकि अर्थ के सरफेस अगर एक फेज पे रहता है तो दिन हो जाता है, दूसरे फेज पे जाता है तो क्या हो जाता है? रात हो जाता है, ठीक है ना। तो अर्थ किसके अराउंड रोटेट करता है, किसके अलोंग करता है? सन, यानी नहीं सॉरी, सन किसके अलोंग करता है? अर्थ के अलोंग, ठीक है। ये बातें आप लोग को समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज वाइब्रेटरी मोशन। देखिए वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, थर्ड क्या है अपने पास? वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अब देखिए वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस। जैसे आपको एक चीज़ बातें पता होगी, आपको क्या पता होगा, आप जैसे देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप देखने का मतलब क्या होता है, झूले देखे होंगे आप, वहाँ पे झूले देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो क्या होता है, एक ऐसे करके कनेक्ट होता है, एक इस तरह से कनेक्ट होता है, एक ऐसे करके कनेक्ट होता है, एक इस तरह से कनेक्ट होता है, और ये यहाँ पे, ठीक है, एक इस तरीके से, यानी कि एक क्या है, फिक्स पॉइंट है, और ये इस तरह से क्या करता रहता है, ये ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे रोटेशन। आप कभी देखे होगे पार्क में जो झूला होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, उसके दो टाइप से रिब्स बना रहता है, ठीक है, रिब्स बंदे होते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक एक्सिस पे रहता है, आप उसको क्या होता है, उस पर बैठ के आगे पीछे बैकवर्ड एंड अपवर्ड क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, यानी क्या है, टू एंड फ्रो वाइब्रेटिंग रोटेशन इसमें होता है, ठीक है। ऐसे ही आप सेकेंड में क्या, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा, इस टाइप से एक कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर, कंटेनर में आप क्या देखेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स, क्या है, गैस मॉलिक्यूल रहता है, और गैस मॉलिक्यूल्स भी क्या कहता है, एक दूसरे से वाइब्रेशन, एक दूसरे गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है और एक दूसरे से वाइब्रेट करके वो लोग क्या करता है, मोशन ट्रैवल करता रहता है, ठीक है, मोशन में रहता है, गैस मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे से वाइब्रेट होके ही करता है, ठीक है। ऐसे ही आपने एक चीज देखा होगा पेंडुलम, पेंडुलम का आप लोग कॉन्सेप्ट क्या देखे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग में क्या बंधा हुआ है, बॉल है, ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे यहाँ होगा, इस पॉइंट पे यहाँ होगा, इस पॉइंट पे यहाँ होगा, इस पॉइंट पे यहाँ, इस पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब इसका इधर के तरफ लोकेशन, फिर इधर के तरफ, फिर इधर और फिर इधर, मतलब इस तरह से एक पॉइंट फिक्स जगह से क्या करता रहता है, ऐसे करके रोटेशन फिक्स पॉइंट से क्या करता रहता है, यू अवे एंड टूवर्ड्स, ठीक है, इस तरह से रोटेशन करता रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट सब्सक्राइब कीजिए नव्ज अकेडमी चैनल को और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें नए और सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए।